कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में आई अचानक वृद्धि को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सभी जिलों में संक्रमित लोगों को पहचान के लिए टेस्टिंग और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इन सब के बीच आने वाले त्यौहार होली को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग अभी भी चिंतित है। इस बारे में पटना के सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया है कि होली से पहले बड़ी संख्या से दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों को सूची तैयार की जा रही है और उन्हें स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम को सभी सार्वजनिक जगहों पर तैनात किया जाएगा और उनके साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि बाहर से आ रहे लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोविड टेस्ट किया जाएगा। ऐसा इसीलिए किया जाएगा ताकि बिहार में खत्म हो चुकी कोरोना का संक्रमण की रफ्तार फिर से न बढ़े। इस वक्त परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर सड़क पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चालक लाइसेंस दोनों रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के परिवहन सचिव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश सभी जिले के DTO को दिया है। बुधवार को बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, इसके साथ ही अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं, जान कीमती है, इससे खिलवाड़ न करें। बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाए, खासकर हाईवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो और बस को नियंत्रित करने के लिए सख्तीपूर्वक अभियान चलाए। परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं दुर्घटना के पश्चात की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, इस दिशा में भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु जिलों में प्रचार प्रसार के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि जांच अभियान सघन रूप से चलाए। किसी भी परिस्थिति में बिना फिटनेस सड़क पर वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौर में पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में कई तरह के बदलाव किए गए थे। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पहले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ता था, अब IGIMS के आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया है। मरीजों को इलाज के लिए अब आने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, OPD में जाते ही मरीजों की कोरोना जाँच हो जाएगी। IGIMS प्रबंधन ने OPD में इलाज के लिए आने वाले ऐसे मरीज जिनको भर्ती की जरूरत होगी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखने की बजाय कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर भर्ती करने या आगे का इलाज करने के लिए एडमिट लिया जाएगा। तो नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वाले या आधा अधूरा काम कराने वाले मुखिया जी पर गाज गिरना शुरू हो गया है। सोलर लाइट लगाने में सरकारी राशि का बंदरबांट करने वाले 3 मुखिया को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए गए 3 मुखिया अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मामला रोहतास जिले का है। यहाँ सोलर लाइट लगाने में सरकारी राशि का घपला सामने आया था। पंचायती राज विभाग ने आरोप सच साबित होने के बाद चोनारी प्रखंड के 3 मुखिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इन 3 मुखिया पर योजना में गड़बड़ी करने का आरोप है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी यहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब बिहार में लड़कियों ने शराब की तस्करी शुरू कर दी है। राजधानी पटना में 18 बोतल शराब लेकर जा रही बुलबुल की गिरफ्तारी के बाद छपरा में पुलिस ने चांदनी को 58 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है।
मामला सारण जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मोहम्मदपुर मोड़ के पास NH-27 पर ओवरब्रिज के पास पुलिस ने एक लड़की को 58 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छपरा की रहने वाली चांदनी हरियाणा से माल लेकर आ रही थी। आरोपी लड़की को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के संबंध में छपरा जिले के सदर SDPO नरेश पासवान ने बताया कि SP आनंद कुमार के निर्देश पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। शुक्रवार को भी रोज की तरह वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मोहम्मदपुर थाना के थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने NH-27 पर बने ओवरब्रिज के पास बसों को रोककर तलाशी ली। इसी क्रम में मोहम्मदपुर थाना की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही बस की तलाशी ली। थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बस को रोका। बस रुकते ही एक युवती बस से उतरकर भागने लगी। तभी महिला पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। महिला के पास से एक बैग भी बरामद किया गया, जिसमें शराब की 58 बोतलें थी।